हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस बेटा, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है और वो जल्दी आके हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर लें। ओके बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। कल हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स किए थे, ठीक है बेटा। आज भी हम अपने लेक्चर को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पार्थिनोजेनेसिस। ओके बेटा, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन के सिवा न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एंड व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, बट जो हमारा पार्थिनोजेनेसिस है बेटा मैकेनिज्म, इसमें फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू
वन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ओके बेटा. एंड व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द एग एंड स्पर्म आर फ्यूज्ड. इट मीन दैट इन द फर्टिलाइजेशन बोथ ऑफ द गैमेट्स, फॉर एग्जांपल एग एंड स्पर्म आर फ्यूज्ड. द प्रोसेस इन व्हिच male gametes, for example sperms, fuse with female gametes, for example the eggs. Okay beta, fertilization mein jo hai मेल गेमीट फॉर एग्जाम्पल स्पर्म जो है ये फीमेल गेमीट फॉर एग्जाम्पल एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं. बट इन द केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस द फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन जो है पार्थेनोजेनेसिस में नहीं होता. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स जैसे ही अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो इन गैमेट से जो है डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके बेटा, आपको याद रखना होगा कि पार्थेनोजेनेसिस वाले प्रोसेस में मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे स्पर्म है बेटा और ये यहाँ पे एग है. ठीक है बेटा, अब क्या होता है अमूमन जो रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है कि स्पर्म जो है ये एग से फ्यूज हो जाता है. ठीक है बेटा, बट इन द केस ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस ये जो स्पर्म है बेटा इस स्पर्म से डायरेक्टली न्यू वन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो जाएगा और ये जो बेटा एग है इससे भी न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है बेटा, आपको याद रखना होगा कि पार्थेनोजेनेसिस वाले प्रोसेस में जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बट ये वाले जो गैमेट्स हैं ये गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, मतलब के मेल एंड फीमेल जो है मेटिंग नहीं करते. ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस इन व्हिच देयर इज नो एनी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके बेटा, और ये जो बेटा पार्थेनोजेनेसिस जो टाइप है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये कौन से एनिमल में होता है? फॉर एग्जांपल ये होता है बेटा हनी बीज में. मोस्ट कॉमनली जो ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है हमारे हनी बी और एक दूसरे हमारे इंसेक्ट हैं वास्प. ठीक है बेटा, वास्प और हनी बी में ये प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस वाला. फॉर एग्जांपल हनी बी एंड वास्प. ओके बेटा, बेटा ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये लास्ट एग्जांपल है हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसके बाद जो है अब हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है बेटा, कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप्स होते हैं, नंबर वन असेक्सुअल एंड नंबर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल के कुछ एग्जांपल्स हमने कल किए थे और जो रिमेनिंग एग्जांपल था बेटा पार्थेनोजेनेसिस वो हमने अभी डन कर लिया है. इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है रिप्रोडक्शन का जिसका नाम है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम अब स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच द न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटिंग ऑफ टू पेरेंट्स। ठीक है बेटा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इस मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, वो आपस में मेटिंग करते हैं और मेटिंग करने के बाद जो है वो अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं। जो मेल गैमेट होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम कहते हैं एग। ठीक है बेटा, तो जैसे ही गैमेट्स जो हैं मेल एंड फीमेल गैमेट ये सीक्रेट हो गए, तो उसके बाद जो है ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो फ्यूज हो जाने के बाद जो है इसमें से एक जायगोट प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद जो ये जायगोट है ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है न्यू बेबी में। ठीक है बेटा, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which both the parents undergo mating, ठीक है बेटा, undergo mating and discharge their gametes। ओके बेटा, देयर गैमेट्स, फॉर एग्जांपल द मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज एग, फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड एग एंड प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, सो फॉर एग्जांपल एक मेल पेरेंट है और दूसरा जो है फीमेल पेरेंट है। ठीक है बेटा, ये दोनों पेरेंट्स हैं जो अपोजिट सेक्स के हैं। ठीक है बेटा, सो ये जो बेटा मेल है ये सीक्रेट करेंगे स्पर्म्स को, दीज आर स्पर्म्स, और उसके बाद जो ये फीमेल हैं ये सीक्रेट करेंगे एग को। ओके बेटा, उसके बाद ये जो स्पर्म है ये इस वाले एग के साथ जो है कंबाइन हो जाएंगे, और उसके बाद जो है एक जायगोट प्रोड्यूस होगा बेटा, दिस इज द जायगोट, और इस जायगोट में जो है एग एंड स्पर्म दोनों की खासियत मौजूद होंगे, इसलिए मैं इस जायगोट में दो डिफरेंट कलर्स पुट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें जो है दोनों पेरेंट के प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो है ये जायगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो स्टेज में। ठीक है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो स्टेज में, और एम्ब्रियो स्टेज में कन्वर्ट हो जाने के बाद इसमें कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाते हैं जो नेसेसरी होती हैं किसी भी एनिमल के ग्रोथ के लिए। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद जो है ये एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा बेबी में। ठीक है बेटा, बेबी में, और बेटा यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि ये जो प्रोसेस है ये कौन से एनिमल में हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर जो हमारे ओवीपेरस एनिमल होंगे तो ओवीपेरस एनिमल जो है
इस बेबी को एक शेल में कवर करेंगे जिसको हम एग बोलते हैं, और वो उस एग को जो है अपने बॉडी से ले डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जैसे ही ये जो एग है इसके अंदर मौजूद जो ये एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज और जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद ये एग से जो है न्यू इंडिविजुअल हैच हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर फॉर एग्जांपल ये बेबी किसी भी मेमल के बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है तो उसकी जो है डायरेक्ट बर्थ हो जाएगी, ठीक है बेटा। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उनके नाम होंगे हमारे ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविपेरस, ठीक है बेटा। तो जैसे ही बेटा आप यहाँ देख सकते हो कि ये स्पर्म है और ये एग है, ठीक है बेटा। जैसे ही ये आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है ये यहाँ पे जायगोट प्रोड्यूस होता है बेटा, दिस इज द जायगोट, एंड जायगोट कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट, ओके बेटा। उसके बाद ये जायगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है बेबी में, और उसके बाद जो है डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि इस बेबी को एग की फॉर्म में अपने बॉडी से रिलीज करता है या तो फिर डायरेक्टली इसकी बर्थ कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये डिपेंड करता है एनिमल कौन सा है, ओके बेटा। दिस इज द एग, ओके बेटा। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिवेंट्स जेनेटिक मोनोटोनी एंड प्रोड्यूसेस द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा ये जेनेटिक मोनोटोनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनी, मींस सिमिलरिटी, द सिमिलरिटी बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज द मोनोटोनी, ठीक है बेटा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है 90 या तो फिर 95 से लेके या तो फिर वो 100 तक एक दूसरे के साथ जो है सिमिलरिटी रखते हैं, एक दूसरे के साथ एक मुशाबियत रखते हैं, मतलब कि अगर दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल सेम है तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मोनोटोनी, ठीक है बेटा। बट जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें जो है जेनेटिक मोनोटोनी से प्रिवेंट करता है, बचाता है बेटा हमें, ठीक है बेटा। अगर जेनेटिक मोनोटोनी नहीं होता तो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं हर स्पेशीज की, उनकी जो बेटा लुकिंग है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो बेटा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी वगैरह, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम होता, ठीक है बेटा। अगर सेम होता तो हम एक दूसरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो इसीलिए जो है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्पेशीज के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक है बेटा। व्हाट इज अ वेरिएशन, वेरिएशन मींस चेंज, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ओके बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन avoids genetic monotony and produces variation, and it produces variation. What is variation? Variation means change. It produces the change in the species. ओके बेटा। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट ये है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फर्टिलाइजेशन वाला जो बेटा अमल है वो बिल्कुल यहाँ पे होता है, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन टेक्स
टेक्स प्लेस। ओके बेटा, और ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अमूमन जो है मोस्टली ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है बेटा। एंड व्हाट इज द सेल डिवीजन? सेल डिवीजन मींस द ब्रेकिंग ऑफ अ सेल इनटू इट्स फ्रेगमेंट्स, इनटू इट्स डॉटर सेल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। और जो सेल डिवीजन है बेटा, इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर वन माइटोसिस एंड नंबर टू द मियोसिस, ठीक है बेटा। बट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है बाय द मियोसिस, ठीक है बेटा, ये होता है मियोसिस के थ्रू। अकर्स बाय मियोसिस, बेटा बाबू कुमार आपने लिखा है व्हाट इज मोनोटोनी। बेटा मोनोटोनी का मतलब होता है सिमिलरिटी, रिसेम्बलेंस, ठीक है बेटा, इट मींस रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस एंड सिमिलरिटी। ओके बेटा, तो उसके बाद जो है हम ये यहाँ डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कंप्लीट होता है तीन स्टेप्स में, ठीक है बेटा। मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके तीन मेन स्टेजेस होते हैं। देयर आर थ्री मेन स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, और ये तीन स्टेप्स कौन से हैं? नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, नंबर टू मेटिंग एंड नंबर थ्री फर्टिलाइजेशन। नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, नंबर टू मेटिंग एंड नंबर थ्री फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो देर आर थ्री मेन स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हिच आर दीज? दीज आर गैमेटोजेनेसिस, मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस को। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, इन विच द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर दैट देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गैमेट्स। नंबर वन द मेल गैमेट्स विच आर आल्सो नोन एज स्पर्म, एंड नंबर टू द फीमेल गैमेट्स विच आर आल्सो नोन एज एग्स। ओके बेटा, and the production of these gametes, for example sperm and egg, is called gametogenesis. The process by which male and female gametes, for example sperm
एंड एग आर प्रोड्यूस्ड इन मेल एंड फीमेल। ठीक है बेटा, गैमेटोजेनेसिस में मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड द मेल गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज एग एंड द प्रोडक्शन ऑफ दीज स्पर्म एंड एग इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ओके बेटा, एंड द गैमेटोजेनेसिस अकर्स इन द गोनीड्स। ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये होता है गोनेड्स के अंदर। एंड व्हाट आर द गोनेड्स? गोनेड्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट बोथ इन द मेल एंड फीमेल फॉर द गैमेट प्रोडक्शन। गैमेटोजेनेसिस अकर्स इन स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेड्स। ओके बेटा, जो गैमेटोजेनेसिस है ये होते हैं, ये जो बेटा प्रोसेस है ये प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के एक खास हिस्से में जिसको हम कहते हैं गोनीड्स। ठीक है बेटा, और ये जो गोनीड हैं ये गोनीड मेल एंड फीमेल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है बेटा, और जो मेल गैमेट होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस और जो फीमेल गोनीड होता है उसको हम कहते हैं ओवरीज। एंड ये जो हमारे गोनेड्स होते हैं ये हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जो टेस्टिस है जिसको हम मेल गोनेड कहते हैं, ठीक है बेटा, ये जो है ये मौजूद होता है पेयर के फॉर्म में, मतलब के एक पेयर मौजूद होता है टेस्टिस का फीमेल में। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? टेस्टिस हेल्प द मेल टू प्रोड्यूस द स्पर्म सेल्स। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओवरीज? द लोकेशन ऑफ ओवरीज इज जस्ट बिलो द एब्डोमिनल रीजन ऑफ द फीमेल बॉडी। ये जो हमारे ओवरीज हैं ये मौजूद होते हैं फीमेल बॉडी के एब्डोमिनल रीजन के थोड़े नीचे। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं ओवरीज। और ये जो ओवरी है बेटा ये फीमेल में भी जो है ना ये पेयर के फॉर्म में मौजूद होता है, मतलब के दो मौजूद होते हैं, एक राइट की तरफ और दूसरा लेफ्ट की तरफ मौजूद होता है। और मेल में भी दो टेस्टीज मौजूद होते हैं, एक राइट की तरफ और दूसरा फिर जो है उसकी लेफ्ट की तरफ। ठीक है बेटा, द मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टीज एंड द फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। ओके बेटा, एंड उसके बाद जो है हम ये लिखेंगे कि गोनेड जो है बेटा वो हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद होता है। गोनेड्स आर ऑलवेज
प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, इन पेयर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। मतलब के जो टेस्टीज हैं उनके भी जो है एक उनका भी जो है पेयर होता है, और जो एक है उसका भी एक अपना पेयर होता है, ठीक है बेटा। और ये जो बेटा हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं गोनेड्स में, ये प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एंड व्हाट इज द मियोसिस? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन इन व्हिच द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल इज चेंज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो है मियोसिस में ओरिजिनल नंबर जो होता है बेटा वो हाफ हो जाता है, इसको हम कहते हैं मियोसिस। एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गैमेट्स और गैमेटोजेनेसिस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फॉर एग्जाम्पल द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ओके बेटा, जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज नोन एज ओजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड द मेल गैमेट्स आर आल्सो नोन एज स्पर्म्स, ठीक है बेटा। मतलब के स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल गोनेड्स में, ठीक है बेटा। और जो हमारे मेल गोनेड्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेस्टीज। इट मींस दैट द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेस्टीज एंड टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द मेल बॉडी। एंड व्हाट आर द टेस्टीज? टेस्टीज आर मेल gonids which produce the sperm cells. The process of formation of male gametes for example sperms, ठीक है बेटा। मतलब के स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द मेल गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म्स, ठीक है बेटा। It occurs in male gonids
And what are the name of male gonads? They are called testes. For example, testes. Okay, beta. बेटा ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है ये बाय बर्थ जो है मेल के अंदर एक्टिव नहीं होता। ठीक है बेटा, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है मेल बॉडी के अंदर बाय बर्थ जो है मौजूद नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये एक्टिव होता है बेटा, या तो फिर ये प्रोड्यूस होता है जैसे ही मेल मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचता है। ठीक है बेटा, सो मैच्योरिटी स्टेज को भी हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। सो जैसे ही मेल प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचता है तो उसके बाद जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब के स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये एक्टिव हो जाता है और इसके थ्रू जो है स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक्टिवेट्स एट द मैच्योरिटी स्टेज, एट द मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है बेटा, तो ये जो बेटा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होता है मेल गोनिड्स में, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, और ये एक्टिवेट हो जाता है मैच्योरिटी स्टेज में। ठीक है बेटा, और इसके बाद जो है अब हम इसके मैकेनिज्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारे गोनिड में होते हैं तो इसके थ्रू जो है स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस आर सराउंडेड बाय ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स called seminiferous tubules ferous tubules। ठीक है बेटा, और ये जो बेटा seminiferous tubules होते हैं जो हमारे टेस्टिस को सराउंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है बेटा, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं इनके अंदर जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके बेटा, आपको याद रखना होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस के दौरान। ठीक है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंटेन जर्म सेल्स that help the male to produce sperms। ठीक है बेटा, ये जो हमारे seminiferous tubules होते हैं एक्चुअली जो seminiferous tubule है बेटा, ठीक है बेटा, इनके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है और इसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस के थ्रू स्पर्म्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके बेटा, और जो लेंथ होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का
वो लगभग होता है 15 से 18 मीटर तक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मे बी अप टू 18 मीटर्स इन इट्स लेंथ। ओके बेटा, जो जो लेंथ होता है, एक एस्टिमेटेड जो लेंथ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो होता है 15 से लेकर 18 मीटर्स तक। ठीक है बेटा। बेटा अगर आपके पास इनमें से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो बेटा। बेटा बाबू कुमार आपने लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोनेड्स एंड गैमेट्स। ओके बेटा, जो गोनेड्स होते हैं इनको हम कहते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। गोनेड जो होते हैं ये हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक हिस्से होते हैं, पोर्शन होते हैं, जिनके अंदर जो है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके बेटा बाबू कुमार। और उसके बाद जो है आपको ये भी याद रखना होगा बेटा बाबू कुमार कि जो गोनेड्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन द टेस्टीज, और ये जो बेटा हमारे टेस्टीज हैं ये मौजूद होते हैं मेल बॉडी में, और वहां पे जाके जो है ये स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। और जो सेकंड टाइप है गोनेड का वो है ओवरी। ठीक है बेटा। और ये ओवरी मौजूद होते हैं फीमेल बॉडी में, और ये जो ओवरी हैं इनमें से एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके बेटा बाबू कुमार जी। बेटा एनी अदर क्वेश्चन? ओके बेटा, अब जो है मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लिख रहा हूँ जिनके जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों ने टिक करके मेरे पास सेंड कर देने हैं। ठीक है बेटा। बेटा बाबू कुमार ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। के फॉर एग्जांपल जो हमारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो है ये एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, जिससे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, या तो फिर आप इसको रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो।
बेटा आप जल्दी में जो है इसके जवाब मेरे पास सेंड कर दें। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड डैश। ओके बेटा, ऑप्शन ए एग्स, ऑप्शन बी गोनेड्स, ऑप्शन सी ओवरीज एंड ऑप्शन डी स्पर्म। क्वेश्चन नंबर फोर, इन पार्थिनोजेनेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स डोंट अकर। ठीक है बेटा, पार्थेनोजेनेसिस में वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो पार्थेनोजेनेसिस में नहीं होता। नंबर वन रिप्रोडक्शन, नंबर टू फर्टिलाइजेशन, नंबर सी गैमेटोजेनेसिस एंड नंबर डी मियोसिस। ओके बेटा, तो आपके स्क्रीन पे जो है ये चार क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। इनके करेक्ट ऑप्शन जो हैं आप लोगों ने फाइंड करके मेरे पास सेंड कर देने हैं। ओके बेटा, जल्दी करें, शाबाश। बेटा बाबू कुमार, आपने सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनकरेक्ट भेजा है बेटा। बेटा मारिया, आपने सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, शाबाश बेटा। बेटा बाबू कुमार आपने और बेटा मारिया आप दोनों ने जो है क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे टिक किया है, शाबाश बेटा मारिया एंड बेटा बाबू कुमार। ओके बेटा, अब आपने जो है थर्ड एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन सेंड करने हैं, जल्दी करें बेटा, शाबाश। बेटा जल्दी में इनके जवाब आते मेरे पास सेंड कर दें। बेटा मारिया, आपने ऑप्शन नंबर थर्ड का जो जवाब है वो रॉन्ग भेजा है बेटा, इनकरेक्ट भेजा है आपने। वालेकुम सलाम बेटा अनम पावर। शाबाश बेटा बाबू कुमार, आपने थर्ड आंसर का ऑप्शन बिल्कुल सही भेजा है। बेटा
बेटा मारिया, आपने ऑप्शन नंबर 4 का इनकरेक्ट ऑप्शन भेजा है बेटा। बेटा हीर अली, आपने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बिल्कुल सही भेजा है, शाबाश बेटा हीर अली। ओके बेटा, अब हम अपने इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, और कल जो है हम गैमेटोजेनेसिस का जो बेटा टाइप है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।